सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सही से होंगे और मजे में होंगे अपने अपने घर में। तो शुरू करते हैं आज का दिन। नहा धो के फ्रेश हो गए और चलते हैं किचन में, कुछ बनाना है। और क्या बनाते हैं वो सोच रहे हैं। सोच रही हूँ कि दाल ढोकली बना दूँ, राइस और लड्डू तो पड़े ही है, तो लड्डू के साथ कुछ दाल वगैरह होता है तो मजा आता है खाने को। और चीरा की फेवरेट भी है दाल ढोकली। पहले पीनट बॉइल करने रख देते हैं क्योंकि वो हार्ड होते हैं तो उसके साथ नहीं पकते, सो पहले टाइम लगता है। तो पहले पीनट अच्छे से बॉइल कर देंगे तो बाद में दाल बॉइल कर देंगे और आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और चलते हैं किचन में बनाने के लिए। सो ये हमारी दाल बॉइल करके रख दी है और ये है ढोकली जो हमने बना दी है, कट करके रेडी हो चुकी है। और ये है दाल और इसमें इमली का पल्प मैंने निकाल दिया है और ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। सब ऑयल गरम हो चुका है, अभी इसको तड़का लगा देंगे करी पत्ते के साथ। सो ये मैंने तड़का भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम डाल देंगे ढोकली। सो ढोकली थोड़ी देर इसमें पकेगी तो एकदम पक जाएगी तो अच्छी लगेगी। सो सारी ढोकली इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से पका लेते हैं। खेल रहे हो तुम लोग? मेरा किधर गया सुना? हाउसी खेल रहे हो? और खुशी दियू खेलो उसके साथ, चलो बैठ जाओ नीचे शांति से, चलो। कैसे खेलते हैं? आपने वो वीडियो में नहीं बताया था, वही वाले वैसे खेलते। खेलो अभी। तुम लोग कब जा रहे हो, कल या परसों? परसों। एसी वाला आने वाला है, कब बुलाऊं मैं? आज भी आपका कुछ फेवरेट बना है, आप गेस कर सकते हैं कि क्या बना होगा? खारीदार ने कड़ी। खारीदार ने कड़ी। क्या बना है आप गेस करो। गेस नहीं करना है। एक और गेस कर दो फिर मैं बता दूंगी। भात और कढ़ी पुलाव। दाल फ्राई। आज पोपट नहीं हुआ मेरा, आज नहीं गैस कर पाए। बेसन मंगाया था फिर भी आपको दिमाग में नहीं आया? और कुछ बोलना है? चलिए इस बार तो चिराग गैस नहीं कर पाए, मिशन सक्सेसफुल रह गया हमारा। तो आपको दिखाती हूँ हमारी दाल ढोकली। आप देख सकते हैं हमारी यम्मी वाली दाल रेडी हो चुकी है। चलिए अभी बैठते हैं, लंच करने बैठ जाते हैं। हेलो एवरीवन, हो चुका है नेक्स्ट डे। कल मैं एंडिंग लेना भूल गई थी और दोपहर के बाद तो कुछ वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि दोपहर के बाद थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही बढ़ चुकी है अभी तो 4 दिन से। सो कुछ वीडियो बनाया नहीं। और मैंने 4-5 दिन पहले जो वीडियो बनाया था जब हमारे घर पे गेस्ट डिनर के लिए आने वाले थे, उसकी 2-4 क्लिप पड़ी हुई है तो इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं आपको अच्छी लगेगी। तब गेस्ट आए थे सो हमने सब डिनर की प्रिपरेशन की थी, भजिया वगैरह बनाया था, 500 वगैरह। सो उसका वीडियो लिया था और बाद में कुछ लंबा नहीं था तो ऐसे ही रखी हुई है क्लिप। सो इस वीडियो में मैं एंड में वो ज्वाइन कर दूंगी तो आप देख सकते हैं, तो आपको मज़ा आएगा। सो पहले देख के आए, बाद में आपसे मिलते हैं। बहुत दिनों बाद आपसे, सो बातें बहुत सारी है कहने को पर अभी टाइम नहीं है क्योंकि आज है हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि हमारे घर शाम को डिनर के लिए हमारे रिलेटिव्स वगैरह आने वाले हैं तो उसकी सभी प्रिपरेशन वगैरह करनी है और सामान भी लेके लेने जाना है। तो अभी मैं सामान लेने जा रही हूँ, सो आज तो शायद ही टाइम मिलेगा बात करने का। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ वॉलेट में, आप देख सकते हैं ये है वेफर्स वगैरह का सेक्शन, वेफर बिस्किट यहाँ पे मिलता है सभी फ्लेवर्स के। सो जो जो चाहिए होता है वो यहाँ से ही ले लेती हूँ तो इजी रहता है। और सब कुछ एक ही जगह पे, मसाला हल्दी पाउडर सब कुछ, साबुन सोडा वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। ये है प्लास्टिक वगैरह का सेक्शन, डिब्बे वगैरह, और ये है बोनवीटा सब कुछ वगैरह। ये है साबुन, साबुन फेस वॉश पाउडर, तो कपड़े धोने का साबुन सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। सो ये है क्रीम वगैरह फेस वॉश, ये सब कुछ है यहाँ पे।
और मसाले का सेक्शन भी है। मुझे मसाला वगैरह लेना था, इमली खजूर ऐसा सब कुछ लेना था, इसलिए मैं यहाँ आई थी। और ये मैं बिल बनाते हुए इसमें धानी और श्रीफल भी मैंने ले लिया है, क्योंकि अगले ही दिन ही होली थी तो होली में चाय होता है, तो यहाँ से ही ले लिया। सो देखा तो याद आ गया, इसलिए ले लिया। मेरा ग्रोसरी वगैरह का डन हो चुका है, अभी वेजिटेबल लेना बाकी है। सो चाहते हैं वेजिटेबल लेते हैं फटाफट से, और बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, चलिए चलते हैं। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे। ये है आइसक्रीम, दूध और पान छाछ वगैरह सब कुछ मैं लेके आई थी, और शाम को 500 बनाने वाले हैं, इसलिए आइसक्रीम और दूध और पान, मीठा पान आता है वो लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। तो शाम को बनाएंगे 500। तो ये हमने खजूर इमली की चटनी भी बना के डन कर दी है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा बच चुके हैं 4:30 और हम आ गए फिर से किचन में दोपहर को लंच करके, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके, जैसे कि मैंने दिखाया था इमली वगैरह की चटनी, खजूर इमली की चटनी और बना के रख दी थी फ्रिज में। अभी आलू बॉईल कर लिए हैं क्योंकि बटेका वाला भी बनाने हैं। सो दिखाती हूँ आलू, ये आलू हमने बॉईल कर दिए है, अभी इसको हम मैश कर देंगे और मसाला वगैरह करेंगे, तो फटाफट से कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा बटेका वड़ा का मसाला तैयार हो चुका है, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया वगैरह डाला है और राइस का तड़का लगाया है और करी पत्ते डाले हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। सो इसकी हम अभी गोली तैयार कर देंगे। हो चुका है नेक्स्ट डे, होली का दिन, और दोपहर को हमने मैंगो वगैरह निकाला था और आलू की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी होली के दोपहर को। और अभी हो चुकी है शाम, हम होली का दर्शन के लिए गए थे, हमारे घर से थोड़ी ही दूर होली का दहन होता है, सो वहाँ पे हम दर्शन करने गए थे होली के। सो यहाँ पे सब दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं, होली का दहन के लिए गए थे तो उसकी क्लिप थी, सो आपने देखी होगी तो आपको मजा आया होगा आई होप। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ, तब तक के लिए बाय, हर हर महादेव।